हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं मुल्कराज आनंद और आनंद की बायोग्राफी डिस्कस करने के बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आनंद के इम्पॉर्टेंट वॉक्स। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, लेट्स स्टार्ट। देखिए, आनंद एज ए नॉवलिस्ट, एज ए स्टोरी राइटर जाने जाते हैं। अगर हम नॉवलिस्ट की बात करें तो सबसे पहले उनका जो नॉवल आया वो आया अनटचेबल, और इन द ईयर 1935। अनटचेबल, अनटचेबल का मतलब होता है अछूत। तो एक अछूत की कहानी है इसमें, एक लो कास्ट का एक यहाँ पे हीरो है। कैसे है, क्या है, वो तो हम जब डिटेल समरी हम लेंगे नोवेल की तब हम डिस्कस कर लेंगे। अभी हम केवल इनके वॉक्स के नाम लिख लेते हैं। तो अनटचेबल आया 1935 में। इसी के नेक्स्ट ईयर आ गया नेक्स्ट नोवेल, जिसका नाम था फ्रेंड्स कुली। और कुली आया 1936 में। टू लीव्स एंड अ बड, टू लीव्स एंड अ बड, इसी के नेक्स्ट ईयर आ गया था नाइनटीन थर्टी सेवन में। इसके बाद आया फ्रेंड्स द विलेज, और जो आया इसके 2 साल बाद यानी 1939 में, द विलेज। द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, वो भी 1939 में आया, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स। और फ्रेंड्स बड़े अच्छे नॉवल बन पड़े हैं, अगर आप पढ़ेंगे इनकी समरी जब हम लेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में। इसके बाद आया था द सॉर्ड एंड द सिकल, और द सॉर्ड एंड सिकल आया फ्रेंड्स 1942 में। इसके बाद आया था द बिग हार्ट, अनंता की कहानी थी द बिग हार्ट 1945 में। और इनमें से बहुत सारे नॉवेल्स फ्रेंड्स आपने पढ़े भी होंगे, और डेफिनेटली अनटचेबल जरूर पढ़ा होगा क्योंकि ये सिलेबस में भी लगा हुआ है एमए में। हो सकता है इनमें से कुली या और कुछ आपने एडिशनली पढ़ लिया हो। इसके बाद आता है फ्रेंड्स द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, और वो आया था 1953 में। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस 45 के बाद आया था, 8 साल के गैप से 1953 में। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, लेकिन इससे पहले सेवन समर्स आ गया था, और वो आ गया था 1951 में, सेवन समर्स। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं सेवन समर्स को। वो 51 में आया था क्या, सेवन समर्स। और एक्चुअल में ये एक एक मेमोयर था। क्लियर फ्रेंड्स, मेमोयर जानते हैं। तो यहाँ नॉवेल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अनटचेबल था 35 में, 36 में कुली आ गया था, उसके बाद क्या था टू लीव्स एंड अ बर्ड 1937 में। टू लीव्स एंड अ बर्ड कहाँ थी, विलेज में थी 1939 में, और विलेज कहाँ था, ब्लैक वाटर्स के पार था, यानी विलेज के बाद आया अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स। और जब विलेज में पहुंचे तो वहां क्या दिखाई दिया, वहां दिखाई दिया एक तरफ तलवारें चल रही थी, एक तरफ सिकल चल रहा था। क्लियर फ्रेंड्स, 1942 में। और तलवार चलाने के लिए चाहिए इंसान को एक बिग हार्ट, तो बिग हार्ट आ गया था 45 में। और बिग हार्ट से याद आया, बिग हार्ट किसका था, एक प्रिंस का, एक्चुअली बिग हार्ट था।
तो बिग हार्ट के बाद थी प्राइवेट लाइफ ऑफ एन प्रिंस। और जो प्रिंस था एक्चुअल में वो क्या था, वो सेवन समर्स में वो एंजॉय कर रहा था, तो सेवन समर्स इसमें पहले आ गया। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरह आप इसको कोरिलेट करके स्टोरी याद रख सकते हैं। और आप ये सरप्राइज होंगे कि इतने सारे नॉवल्स मैं कैसे लर्न कर लेता हूँ, कैसे लिख लेता हूँ। तो बस यही सीक्रेट है जो मैं बता रहा हूँ आपको। क्लियर? तो चलिए, अनटचेबल कुली टू लीव्स द विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, सॉर्ड एंड सिकल, बिग हार्ट, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस एंड सेवन मेमोयर्स, सेवन समर्स। क्लियर? चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद जो था एक नेक्स्ट नॉवल इनका आया था, वो आया था द ओल्ड वुमन एंड काउ, और वो आया था फ्रेंड्स 1960 में। द ओल्ड वुमन एंड काउ 1960 में। और काउ कहाँ चल रही थी, वो ऑब्वियसली रोड पे आ गई घास चढ़ते चढ़ते। तो इसके बाद क्या आ गया था, द रोड आ गया था 1961 में। और फ्रेंड्स यहाँ हम जितने भी इंपॉर्टेंट नॉवल्स हैं वो ले रहे हैं, माइनर हो सकता है कोई हो वो छूट गया हो, तो आपकी इच्छा है चाहे तो उसको आप कंप्लीट लर्न कर लें किसी जो आपके पास रेफरेंस बुक होगी वहाँ से, या इम्पॉर्टेंट आप लर्न करते चले। लेकिन जो भी इम्पॉर्टेंट पोर्शन दिया जा रहा है उसको आपको, ये मस्ट है आपको लर्न करना। क्लियर फ्रेंड्स? इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। और द रोड के बाद एक इनका नॉवल आया था द डेथ ऑफ अ हीरो 1963-1964 में आया था। क्लियर फ्रेंड्स? और मुझे लगता है शायद ये मकबूल शेरवानी की कहानी है इसमें, द डेथ ऑफ हीरो में। चलिए ये तो थे इनके इंपॉर्टेंट नॉवल्स, जो 12 नॉवल्स हमने यहाँ लिए। इसके बाद अब बात करते हैं इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन थे उनकी। देखिए कुछ फ्रेंड्स के कमेंट्स थे कि जो पीछे वाले ऑथर्स थे, जैसे अभी हमने टी एस एलियट पढ़ा था और टी एस एलियट से पहले बाकी जो पीजीटी वाले ऑथर्स थे, अभी कुछ कल मैं कमेंट पढ़ रहा था तो कुछ ने कमेंट किया था जी बाकी ऑथर्स को कंप्लीट करा दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअल में जो पीजीटी का एक ऑथर है अगर उसको हम ले लें, वो इतना बड़ा होता है एक्चुअल में एक ऑथर कि उसको 3 या 4 या 6 लेक्चर में हम उसको नहीं समेट सकते। यहाँ हम कितना समेट रहे हैं, हम उतना कर रहे हैं जितना हमारे लिए मस्ट है, जितना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी चीज़ें हैं, अगर एक ऑथर को मैं डिस्कस करने लगूँ तो मैं तो एक महीना एक ऑथर आपको पढ़ा दूंगा, नेवर माइंड। लेकिन उसमें उससे आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप एक महीना एक ऑथर को लगा सकें। भाई हमने पीछे टी एस एलियट साहब को किया, मुझे लगता है शायद 6 लेक्चर उन पे भी थे, उससे पहले हार्डी साहब थे, 8 लेक्चर कम से कम हार्डी साहब पे थे, तो 5-7-6 लेक्चर कम से कम हो जाते हैं एक ऑथर पे। क्लियर? तो इसको जितना पोर्शन कराया जा रहा है इसको आप लर्न कर लें, बिल्कुल डाइजेस्ट कर लें, च्यूइंग कर लें। लेकिन इसके अलावा कुछ आपको लगता है पैरेलल है तो आप उसको रेफरेंस बुक से कर सकते हैं, नेवर माइंड। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट मैं सारी यहाँ करा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन की। तो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में इनका जो सबसे पहला कलेक्शन था वो था द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज, और ये डेफिनेटली आपने कहानी पढ़ी होगी। द लॉस्ट चाइल्ड, ये कहानी इंटर में लगी हुई है सिलेबस में, बड़ी अच्छी कहानी है, एक बच्चा मेले में खो जाता है वो कहानी है। और ये आया था फ्रेंड्स 1934 में। क्लियर? 35 में इसके बाद अनटचेबल इसके बाद आया था जो नॉवल पब्लिश हुआ था। इसके बाद है नेक्स्ट जो स्टोरी है इनकी, वो आई थी 1944 में और वो थी द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज। और देखिए अभी अब
कल के न्यूज़पेपर में फ्लैश था, बोर्ड में परसों मीटिंग थी, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी प्लान कर रही है कि अगस्त में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाए। अगस्त में हो या ना हो, लेकिन इस मीटिंग से, इस न्यूज़ से ये बात क्लियर है कि आपका एग्ज़ाम नियर फ्यूचर होने वाला है, बहुत जल्दी ही होने वाला है। बहुत ज़्यादा गैप नहीं मिलेगा आपको, भाई अगस्त में नहीं होता, सितंबर में हो जाएगा। हालांकि ये कोशिश करेगी गवर्नमेंट की अगस्त में इसको, जब वो प्लान कर रहे हैं तो कोई डेट दे दें। अब आपके पास जितना भी टाइम बचा है, इसको आप एक स्ट्रेटजी बना के इसको अपनी तैयारी आप शुरू कीजिएगा बढ़िया तरीके से। और कैसे करनी है, क्या करनी है, इसके लिए 9 बजे संडे भी हम लाइव करते हैं, तब बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, तो उस सेशन को आप ज़रूर देखें। द बारवर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज, ये आया था 1944 में। इसके बाद नेक्स्ट स्टोरी कलेक्शन था इनका, द ट्रैक्टर एंड कॉर्न गॉडेस। द ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर आप जानते हैं, एंड कॉर्न गॉडेस, कॉर्न गॉडेस यानी फसल की देवी। एलिफेंट, ट्रैक्टर एंड फसल की देवी एंड अदर स्टोरीज। और ये आया था 1947 में, जब देश आजाद हुआ था। क्लियर फ्रेंड्स, तो जो यहाँ इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स थे उनमें, अब द ओल्ड वुमन एंड काउ 60 में आया, 61 में रोड आया, डेथ ऑफ ए हीरो 63 64 में आया। देखिए मैं बता दूं, हालांकि इनके जो कंपोजिशन ईयर हैं वो सबके नहीं पूछे जाते, ओनली इम्पॉर्टेंट के ही पूछे जाते हैं, रेयरली कभी किसी का पूछ लिया गया हो, लेकिन आप लर्न करके चलिएगा, एडिशनली सलाह है मेरी। और बाकी इम्पॉर्टेंट में तो सारी चीज़ें हमें लर्न करनी ही है। चलिए शॉर्ट स्टोरीज में बात कर लेते हैं, द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज, खोया हुआ बच्चा था, जिसपे 1934 में आई, बार बार ट्रेड यूनियन थी वो 44 में आई। क्लियर फ्रेंड्स, द ट्रैक्टर एंड कॉर्न गॉडेस एंड अदर स्टोरीज, वो आई 1947 में। क्लियर, चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इनकी नेक्स्ट स्टोरी कलेक्शन की, जिसका नाम था रिफ्लेक्शन ऑन द गोल्डन बेड एंड अदर स्टोरीज, रिफ्लेक्शंस ऑन द गोल्डन बेड एंड अदर स्टोरीज, जो आया था फ्रेंड्स 1953 में। रिफ्लेक्शंस ऑन द गोल्डन बेड, एंड अदर स्टोरीज, कब आया था फ्रेंड्स 1953 में। इसके बाद था द पावर ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरीज, वो आया था फ्रेंड्स 1959 में। क्या था नाम कलेक्शन का, द पावर ऑफ डार्कनेस, एंड अदर स्टोरीज, कब आया था, इसके 6 साल बाद यानी 1959 में। एक स्टोरी कलेक्शन रहा इनका फ्रेंड्स, लाज बनती एंड अदर स्टोरीज, 1966 में आया, लाज बनती एंड अदर स्टोरीज। सिक्स में आया। क्लियर फ्रेंड्स, तो लाजवंती के बाद था एक टेल्स टोल्ड बाय एन इडियट, टेल्स टोल्ड बाय एन इडियट। एक्चुअल में ये जो था, ये सेलेक्ट शॉर्ट स्टोरी के नाम से था कि टेल्स टोल्ड बाय एन इडियट, सेलेक्ट शॉर्ट स्टोरीज, ये आया था फ्रेंड्स 1999 में, सेलेक्ट शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज।
और टेल टोल्ड बाई एन ईडियट से आपको याद आ रहा होगा विलियम शेक्सपियर की एक कोट थी, टेल टोल्ड बाई एन ईडियट। किस प्ले में थी ज़रा कमेंट करके मुझे बता दें, क्योंकि शेक्सपियर भी आप आजकल लर्न कर रहे होंगे, रिविज़न आपका चल रहा होगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, ये एडिटर्स रहे हैं, एडिटर्स रहे हैं कुछ मैगजीन्स, इन्होंने एडिटर रहे हैं, एडिशन मीन्स एडिट की कुछ मैगजीन्स, जिसमें थी इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, एक मैगजीन थी इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स, इसको भी चलिए लिख लेते हैं एडिटर, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। और ऑथर आर्ट क्रिटिक भी रहे हैं फ्रेंड्स। इसके बाद एक दूसरी मैगजीन थी टेल्स फ्रॉम टॉलस्टॉय, और इसके बाद एक दूसरी मैगजीन थी कामसूत्र। क्लियर फ्रेंड्स, कामसूत्र ऑफ वात्स्यायन। तो ये मैगजीन्स इन्होंने जो है एडिट की। तो शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, तो रिफ्लेक्शंस ऑन द गोल्डन बेड एंड अदर स्टोरीज आया 1953 में, पावर ऑफ डार्कनेस आई 59 में, और पावर ऑफ डार्कनेस के बाद आई थी लाजबन थी वो 66 में, टेल टोल्ड बाई एन टोल्ड बाय एन ईडियट ये आई 1999 में, और एडिटर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट एंड टेल्स फ्रॉम टॉलस्टॉय एंड कामसूत्र के। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स, तो चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं, इन्होंने एक प्ले लिखा और प्ले था इंडिया स्पीक्स, वो आया 1943 में। इसके अलावा बात करें कुछ इन्होंने इनकी जो ऑटोबायोग्राफीज रही हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। ऑटोबायोग्राफीज इसमें नाम लिया जाता है सेवन समर्स का, जो आई थी 1951 में। सेवन समर्स के बाद एक साहित्य अकेडमी इनको जो मिला था वो मिला था फ्रेंड्स मॉर्निंग फेस के लिए, जो आया था 1968 में, मॉर्निंग फेस। क्लियर फ्रेंड्स, और मॉर्निंग फेस के लिए ही ये मिला था इनको वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स, इसके बाद आया था कन्वर्सेशंस इन ब्लूम्सबरी 1981 में। कन्वर्सेशंस इन ब्लूम्सबरी और फ्रेंड्स एक ब्लूम्सबरी ग्रुप रहा है आपको याद हो ब्लूम्सबरी, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ है और ईएम फॉस्टर का नाम लिया जाता है, ब्लूम्सबरी मेंबर्स थे। चलो उनको बात कर लेंगे कभी जब हम लिटरेरी टर्म्स या मूवमेंट्स वगैरह डिस्कस करेंगे उसमें। एक्चुअल में ये क्या था, ये एक मेमोयर था उनका जो लंदन में जब वो थे तो उनके कैसे रिलेशन थे ब्लूम्सबरी जो मेंबर्स थे उनके साथ, उस मेमोयर को इन्होंने ये नाम दिया है कन्वर्सेशंस इन ब्लूम्सबरी, जो आया 1981 में। बात क्लियर है फ्रेंड्स, इसके बाद आया था एक पिलपाली साहिब, पिलपाली साहिब। तो पिलपाली साहिब था या साहिब था, ये स्पेलिंग देख लेना इसकी, साहिब लिखा है ऑथर ने या साहिब लिखा है, एक्चुअली साहिब के लिए दोनों ही वर्ड चलते हैं साहब और साहिब। तो 1985 में आया पिलपाली साहिब,
क्लियर फ्रेंड्स। और पिलपाली साहिब क्या था, इसको नाम दिया था इन्होंने स्टोरी ऑफ ए चाइल्डहुड अंडर द राज। इसका कंप्लीट टाइटल था स्टोरी ऑफ अ चाइल्डहुड अंडर द राज। बात क्लियर। तो ऑटोबायोग्राफीज उनकी रही, सेवन समर्स, मॉर्निंग फेज, कन्वर्सेशंस इन ब्लूम्सबरी एंड पिलपाली साहब। और एक प्ले लिखा अकेला, जिस प्ले का नाम था इंडिया स्पीक्स। और बाकी शॉर्ट स्टोरीज हमने डिस्कस कर ली, इम्पॉर्टेंट नॉवल्स डिस्कस कर लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर छोटा सा रहा, यहीं कंप्लीट करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में इनके जो वर्क्स हैं उनको हम, उनकी डिटेल स्टडी जितनी हमें ज़रूरत है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।